তোকে কত করে বললাম আমার বিয়ের সব গয়না তোর জন্য রাখা হয়েছে, তাও নতুন গয়না গড়াতেই হবে। উফ মা, তোমার ওসব গয়না এখন এসব আর চলে না। তুই চুপ কর, খাঁটি সোনার গয়না বুঝলি, এখন আর এসব কোথায়, সবেতেই তো ভেজাল। মা তুমি কিছুই জানো না, এমপিপি জুয়েলার্স নামেই তো ভরসা। চল দেখি কেমন সব গয়না গাটি। বিয়ের জন্য পছন্দ মতো ডিজাইন, সঙ্গে সঠিক দাম আর খাঁটি সোনা পেতে গেলে আপনাকে আজই আসতে হবে এমপিপি জুয়েলার্স। তাহলে বলো মা, ডিজাইনগুলো কেমন, ঠিক জায়গায় এসেছি তো? আমি তো আগেই জানতাম, তোর সাথে মজা করছিলাম। চল একটা সেলফি তুলি, তোর বাবাকে পাঠাও। এমপিপি জুয়েলার্স, ঐতিহ্য যা আজও বহমান। रानीगंज में प्रयास फाउंडेशन के तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को गोविंद राम खैतान मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। रविवार को रानीगंज शहर के NSB रोड स्थित एक होटल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बच्चों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आसनसोल नगर निगम के 2 नंबर बोरो के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शाहजादा, फोसबेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान, श्री हनुमान चालीसा संघ के प्रमुख ओम प्रकाश बाजोरिया, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, सचिव मनोज केसरी, हर्षवर्धन खैतान, पिंटू गुप्ता और रमेश लोयलका को सम्मानित किया गया। इस दौरान लगभग 350 मेधावी विद्यार्थियों को गोविंद राम खैतान मेमोरियल मेरिट अवार्ड प्रदान किया गया। अवार्ड मिलने से विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला। फोसबेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि हम अपने पूर्वजों को और उनके कर्मों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। प्रयास फाउंडेशन हर साल अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें याद दिलाता है कि अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए, हमें उनकी यादों को संजो कर रखना है और उनके दिखाए रास्ते पर चलना है। उन्होंने कहा कि प्रयास फाउंडेशन ने प्रत्येक वर्ष मेधावी विद्यार्थियों को गोविंद राम खैतान मेमोरियल अवार्ड देने का जो बीड़ा उठाया है वह अत्यंत सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और उनका जज्बा बढ़ेगा। हम हमारे पूर्वजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनके कर्मों को भूल जाते हैं। प्रयास फाउंडेशन हर साल इस जलसे के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें ये याद दिलाता है, हमें अपने पूर्वजों को भूलना नहीं है, हमें उनकी यादों को संजो के रखना है और उनके दिखाए रास्ते पर चलना है। मैं पुनः एक बार प्रयास फाउंडेशन को बहुत बहुत अपने मन से, अंतरंग मन से मैं उनको नमन करता हूँ। रानीगंज से विप्लव बादकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।